आइए हाथों का अभ्यास करते हैं, हाथ आगे कर लीजिए। हाथ जरूरी है शरीर के लिए कि नहीं जरूरी है? हाथ जरूरी है। क्या है? बिना हाथ के काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए हाथ आगे करिए और इसको सांस भरते हुए पूरा फैलाइए, पूरे उंगली को ऐसे पंजा को पूरा फैलाना है। सांस को छोड़ते हुए जैसे लोटा पकड़ते उस प्रकार से उंगली को जोड़ों को मोड़ना है, ऐसे ऐसे सांस भरते छोड़ते रहेंगे। अब कुछ लोग ना मुट्ठी बांध रहे, मुट्ठी नहीं बांधना है, ऐसे देखिए मंच की तरफ देखते रहिए। आँख खोल के करिए भैया, आँख खोल खोल के करिए ऐसे। हाँ, कंधा के बराबर देखिए, बैलेंस में रखना है एकदम, कंधा के बराबर में आपका हथेली, ना नीचे रहना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए, और जितना दूरी दोनों कंधा के बीच में उतना ही दूरी दोनों में होनी चाहिए। एकदम बैलेंस में करेंगे तो शरीर आपका बैलेंस में रहेगा। बहुत अच्छा अभ्यास, तीन बार चार बार, और फिर अंगूठा अंदर और मुट्ठी को ऐसे जोर से बांधिए। बहुत सुंदर अभ्यास, जोर जोर से सांस भरिए ना, सांसवा लगे में पैसा लगता, भरे में भरिए ना पूरा पूरा। बैठो सब ना, बेटा बैठो इधर आओ, जब चालू होगा तो फिर करना ट्यूशन, करिए ओम ओम ओम। फिर गोल गोल घुमाइए, कलाई केवनी सीधी, हाथ सीधा रखना है। बहुत अच्छा अभ्यास, गोल गोल घुमाइए, फिर इसको उल्टा घुमा लीजिए इस प्रकार से। ए बेटा हाँ देखो, कभी गलत नहीं करना है, एकदम हाथ सीधा और गोल गोल घुमाएंगे, फिर बाएं दाएं करिए इस प्रकार से दो बार तीन बार। बहुत लोगों को हो नहीं रहा है, ये कलाई केवल इस प्रकार से हो रहा है, बस सुंदर अभ्यास। कुछ आदमी लग रहा है कि पहले शामियाना में वो गुलाब जल छींटने वाला आता था, नहीं अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही लग रहा है कि लोग ऐसे ऐसे छींट रहे हैं। ये कलाई को केवल ऐसे ऐसे करिए, फिर ऊपर नीचे करिए इस प्रकार से सांसों के साथ। बहुत अच्छा, हथेली को खोल लीजिए, सांस को भरते हुए मोड़िए इस प्रकार, फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे। एक बोलेंगे तो मोड़िएगा, दो बोलेंगे तो सीधा कर दो, एक दो, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, दोनों हाथ इस प्रकार कर लीजिए। योग सभी समस्याओं का समाधान है। योग क्या है? बहुत अच्छा, मोड़िए और खोलिए इस प्रकार से, सांस भरते छोड़ते उधर घुमाइए। बहुत सुंदर अभ्यास, जबरदस्त लाभ है इसका, इसको पांच बार करिए। नए नए लोगों को तो थोड़ा सा कंधा में खिंचाव या दर्द जैसा महसूस होगा, लग रहा है? देखिए जवान हुआ भी नहीं और जवानी खत्म हो रही है, अभी जवान भी नहीं हुआ, पीला टी शर्ट वाला हाँ बोल रहा है कि दर्द हो रहा है। दर्द कहाँ करेगा, करिए पूरा अभी, इसको गोल गोल घुमाइए ऐसे। हाँ, धीरे धीरे एकदम आराम आराम से, मैंने चार चीजें बताए हैं, विधि नहीं उसका तरीका, समय, एकाग्रता और निरंतरता के साथ। ऐसा नहीं कि केवल बैठ गए तो लाचारी बस किसी तरह झोर झार के बाहर। कुछ आदमी लग रहा है कि फंस गए, जब पैर टूट जाता है तो पूछेगा और काम करवा तो ना, और क्या पैर टंगले बहते ऊपर। एक आदमी बोला हमको, जा रहे थे गाँव में रोज जाते, बाबा आप नहीं आते हैं योग करने, योग में अत का कहीं आता ना, ना कामे बनो कि हमारा टाइम ही नहीं से मिला। और वही आदमी के पैर टूट के लग दिन, अब टंगले मार छः महीना से, अब करो बस काम, आप अब कहाँ। ऐसे आदमी को देखिए, आदमी हमेशा भगवान से मना रहा है कि हे भगवान हमारा कोनो बीमारी दो के समय निकाल, नहीं घुटने में दर्द दे दे, लकवा हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, उनका भी टाइम है टाइम बा, अपने ना पूरे परिवार का भी टाइम उसके पास हो जाए। इसको करिए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यदि बुरे समय से बचना है तो अच्छी जगह पर जाइए, अच्छे कार्यक्रम में भाग लीजिए तो बुरा दिन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए योग के कार्यक्रम में कभी भी मना मत करिए, इसलिए आपके शरीर के लिए हो रहा है। अच्छा हम जो कर रहे हैं हम, हमको फायदा मिलेगा या आपको मिलेगा? हमको मिलेगा, जो करेगा उसको मिलेगा। हाँ। यदि आप करिएगा हम खाली बैठ के देखेंगे तो नेता की तरह, तो हमको फायदा मिलेगा नहीं, इसलिए हमको भी करना पड़ रहा है।
ये देखिए जितना आप कर रहे हैं उतना हम भी कर रहे हैं, कहीं ज्यादा ही कर रहे हैं। करिए, इसलिए हम समझ रहे हैं कि इसका लाभ हमको मिल रहा है। अच्छा भैया, इसको थोड़ा उलट दीजिए, दो बार तीन बार इस प्रकार से। अबे नीम पका हुआ है, नीम रोज खाइए, नीम का जो उसका पका हुआ है। आम ढेर खा रहा है और नीम कोई नहीं खा रहा है, ज्यादा लाभ नीम खाने से है कि आम खाने से है? नीम खाने से। कोई नहीं खा रहा है, बताइए। ये नीम बोली खाइए डेली 10-20 गो, पूरा महीना खाइए, आपको कभी कैंसर, आपको लकवा, कभी हार्ट अटैक, कभी चर्म रोग, कील मुहासा, दाग, घमौरी कभी फोड़ा फूल से नहीं निकलेगा। आजकल घमौरी निकाल के नाइसिल पाउडर छिड़क रहा बेकूफा, वो नाइसिल छिड़कने से क्या होगा? उस पर नीम का पूरा पत्ता पीस के लपेट दीजिए, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए दोनों हाथ को पकड़िए, गौमूत्र पीजिए, देहाती गाय का 1-1 कप मूत्र 7 तक कपड़े में छान के पी जाइए, आपको कभी भी न दमा होगा। ऐसे करिए, सांस को भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए इस तरह। कभी भी सर्वाइकल रीजन में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द नहीं, पीठ के ऊपरी हिस्से में कभी दर्द नहीं। तकिया लगा के मत सोइएगा, तकिया लगा के सोने से दिमाग कमजोर हो जाता है, कारण कि उसमें नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह संतुलित नहीं होता है, गर्दन में दर्द हो जाती है। इसे तकिया लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? इतना तो हितई में झंझट कर देता है कि देखो ना, सब तकिया गलीचा दिया, मैं तकिया नहीं दिया रात नहीं, मैं लगता है कि उसका नहीं है। और हम लोग तो ये सोच के देते हैं कि उसका हर्जा ना कर जाए, कहीं रात में सो ले, सुबह बोले गर्दन में दर्द हो गया। इसलिए अच्छा अभ्यास, दूसरा अभ्यास करेंगे, बाएं हथेली को दाहिने घुटना पर, दाहिना पीछे करके और मोड़े में पूरा। हो सकता है रीढ़ के निचले हिस्से से थोड़ा आवाज भी आ रहा है। बहुत अच्छा है।